हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आई बी कंटेंट शॉर्ट्स आज हम जो है कैनामेटिक्स में एक सब टॉपिक रिलेटिव मोशन पे चर्चा करने वाले हैं और आपका अगर क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली उसको बना लोगे अगले 45 मिनट में 50 मिनट में आपको जो है एक क्वेश्चन नीट में आने वाला पक्का हो जाएगा ठीक है बच्चों तो आइए लेट्स स्टार्ट चालू करते हैं ध्यान दीजिए सबसे पहली बात रिलेटिव मोशन में आप ध्यान देंगे कि रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों रिलेटिव मोशन में आपको जो है रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखने आने चाहिए है ना चलिए ध्यान दीजिए तो मैं डायरेक्ट जो है आपको फॉर्मूलों पे ही आता हूँ जैसे मान लीजिए रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं तो हम एक में बैठ के दूसरे को देखेंगे हमेशा जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो आप बोलते हो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ठीक है ना बी में बैठ के अगर ए को देखना है तो बी की वेलोसिटी को रिवर्स करके ए को दे देना है ठीक है इसी तरीके आपने एक्सेलरेशन भी पढ़ा है कि एक्सेलेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू तो बी जो होगा वो एक्सेलेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेसन ऑफ बी ठीक है ना बच्चों तो हम लोग टू डी का रिलेटिव देखने वाले हैं तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे रेन मैन प्रॉब्लम ठीक है या तो रेन मैन ना के पहले रिवर बोर्ड देख लेते हैं ठीक है थीके? तो आइए पहले रिवर बोर्ड प्रॉब्लम देखते हैं तो अगर हम रिवर बोट प्रॉब्लम की बात करेंगे बच्चों रिवर बोट प्रॉब्लम्स ध्यान दीजिएगा इसमें अगर रिवर बोट प्रॉब्लम्स की बात आएगी तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगर लिखना है तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर कर दोगे आप ठीक है यानी वेलोसिटी ऑफ बोट अगर लिखना है तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इसको इधर ले आइए प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर क्लियर बच्चों अब इसमें से सबसे पहली बात आपको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन में कि वेलोसिटी ऑफ बोट गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है वेलोसिटी ऑफ रिवर तो आपको आराम से जो है दिख ही जाएगा ठीक है इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर के लिए आप एक दो बातें ध्यान में रखना अगर आपको लिखा हो वेलोसिटी ऑफ बोट वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर कभी ऐसा लिखा हो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर तो आप कह दीजिएगा कि ये आपका जो है क्या दिया हुआ बेटा वी बी आर दिया हुआ है ठीक है ना लोस्टी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ठीक दो नंबर आपको अगर आप देखिए ऐसा नहीं लिखा होगा तो इंजन की स्पीड दी होगी ठीक है बच्चों तो इंजन स्पीड भी आपका जो है वी बी आर हो जाएगा और तीसरी चीज अगर मान लीजिए ऐसा नहीं लिखा होगा तो जिस डायरेक्शन में जाना चाहेगा ट्राई टू रो ट्राई टू रो हिज बोट अगर ऐसा लिखा हुआ है डायरेक्शन दी हुई है तो वो डायरेक्शन जो है ना वो डायरेक्शन किसकी होगी बेटा वो डायरेक्शन भी आपकी जो है वी बी आर की गेवेन होगी क्लियर है ना तो इस तरीके से आप वी बी आर की डायरेक्शन या वी बी आर पहचानोगे ठीक है अब चलिए आते हैं जैसे हमें जो है तो क्रॉसिंग आप रिवर के सवाल करने हैं कौन से रिवर को क्रॉस करने वाले ठीक है क्रॉसिंग ऑफ रिवर चलिए ध्यान दीजिए अगर आपको रिवर को क्रॉस करना मान लीजिए कि बेड़ा रिवर जो है ऐसे फ्लो हो रही है ये आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर है ठीक है ना ध्यान दीजिएगा अब अगर आपका रिवर ऐसे फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में तो आपका जो बोटमैन होगा बोटमैन या तो मान लीजिए स्विमर जो भी आप बोलना चाहोगे तो बोटमैन आप जिस डायरेक्शन में स्विम करेगा वो असलियत में उस डायरेक्शन में पहुंचेगा नहीं है ना और जो आपका ट्राई करेगा वो डायरेक्शन अलग होगी और असलियत में जहाँ पहुँचेगा वो डायरेक्शन अलग होगी तो आप अगर ध्यान से देखोगे मान लीजिए वो इधर ट्राई कर रहा है तो जिधर ट्राई कर रहा है हमने उसको क्या बोल रखा है बेटा वी बी आर बोल रखा है और अगर ये इधर ट्राई कर रहा है मान के चलो थीटा एंगल पे तो वो पहुंच कहाँ रहा है पहुंच मान लीजिए असलियत में वो यहाँ रहा है तो मान लीजिए ए से चालू हुआ बेटा और बी पे पहुंचा तो जिधर असलियत में पहुंचेगा वो आपका वी बी हो जाएगा ठीक है ट्राई कहाँ कर रहा है ट्राई इधर कर रहा है थीटा एंगल पे अच्छा अब समझिए अगर वो ऐसे ट्राई कर रहा है तो इसमें आप वी बी आर के कंपोनेंट कर दीजिए तो वी बी आर के अगर कंपोनेंट करोगे तो इधर कंपोनेंट क्या होगा बेटा वी बी आर और इधर कंपोनेंट हो जाएगा वी बी आर साइन थीटा अब आप देख पा रहे कि नदी को क्रॉस कौन कराएगा तो आप बोलोगे कि सर नदी को क्रॉस कराएगा आपका यही प्रपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वी बी आर कॉस थीटा है ना कुछ भी हो जाए अब आपका जो वी बी आर साइन थीटा है वी बी आर साइन थीटा और ये वी आर अगर इनमें से मान लीजिए कि रिवर में बाढ़ आ गई ज़्यादा तेज बह रही है तो फिर आपका ये वी आर ज़्यादा होगा और वी बी आर साइन थीटा क्या होगा कम होगा तो रिजल्टेंट आपका इधर आएगा ठीक है ना चलिए थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं फॉर्मूलों पे फिर आपके जो दो केस होंगे आपका मिनिमम टाइम वाला और मिनिमम आ, आ, मिनिमम आपका टाइम और मिनिमम डिस्टेंस वाले वो प्रॉब्लम मैं आपको और बता दूंगा ठीक है तो ये हमने क्या लिखा था ये वी बी आर अब देखिए अब अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से बनाना चाहें तो मान लीजिए कि वी आर ज्यादा है तभी तो आपका ये जो वीबी है वो इधर आ रहा है है ना तो आपका ये वाला जो वैल्यू है ना इससे ज्यादा है तो हम बोल देंगे कि इधर आपका आ जाएगा वी आर वी बी आर थीटा ठीक है बच्चों और इस डायरेक्शन में आपका क्या है बच्चों तो आप देख रहे होंगे कि ये आपका वी बी आर कॉस थीटा है बड़ा ठीक है इन दोनों का रिजल्टेंट ही आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये वी बी है तो अगर आपको कभी वी बी लिखना होगा ना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस इसका स्क्वायर तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा स्क्वायर प्लस इसका भी बड़ा स्क्वायर करके लिख दीजिए तो वी बी आर कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर ठीक है अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं अब हमें मान के चलिए कि नदी की जो आपका ब्रीथ है वो मान के चलो कि डी दी, दी हुई है कितनी दी हुई है डी तो अगर टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर लिखना हो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर ठीक है तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे बेटा कितने डिस्टेंस ट्रेवल करनी है डी ट्रेवल करनी है और रिवर को क्रॉस कौन करा रहा है कौन सा वेलोसिटी क्रॉस करा रहा है तो ये रिवर के परपेंडिकुलर वाला तो आप यहां पर लिख दोगे वी बी आर बच्चो कॉस्थीटा ठीक है ना इस तरीके से आप जो है टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर लिख पाओगे ठीक है अगर आपको इसी केस में मान के चले हमसे पूछ लिया गया कि ये कितना आगे ड्रिफ्ट हो गया ये एक्स पूछ लिया गया इसको क्या बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट पूछते हैं ठीक है तो ड्रिफ्ट अगर हम एक्स की बात करें तो ड्रिफ्ट अगर हम देखेंगे तो कौन ड्रिफ्ट ला रहा है तो बेटा इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है जिधर रिवर बह रही है ड्रिफ्ट उधर ही तो आ रहा है तो जो रिवर के डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी है वही तो ड्रिफ्ट लाएगी तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रिवर के डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा है तो हमने लिख दिया वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा और जितनी जितनी देर में नदी क्रॉस हुई है उतनी देर में ही तो ड्रिफ्ट आया है जितनी देर वो नदी के अंदर रहेगा बोटो तो या तो स्विमर उतनी देर में ही तो ड्रिफ्ट भी होना है तो जितनी देर में नदी क्रॉस हो गई उतनी देर का ये ड्रिफ्ट है तो यहाँ पे टाइम आपका वही ले लिया जाएगा क्रॉसिंग द रिवर वाला तो बड़ा ये जो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आ जाएगा डी आपका एक्स वो होगा वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टी की जगह पे बड़ा कितना डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा इस तरीके से आप जो है ड्रिफ्ट का फॉर्मूला पता कर सकते हो ठीक है ना और टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर निकाल सकते हो और अगर आपको वेलोसिटी ऑफ आप बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना है तो आप वो भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है ना अब इसमें बेटा दो केस और बनते हैं आप पहले इसको नोट कर सकते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें दो केस बनते हैं एक आपका जो है मिनिमम टाइम वाला प्रॉब्लम और एक आपका मिनिमम डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम ठीक है ना चलिए आइए तो अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को किनारे पर रख लें ठीक है ध्यान दीजिएगा इसको मिटा के मैं दोनों फार्मूले आपके जो है लिख देता हूँ यहाँ पे कि क्या आया हुआ है ये ड्रिफ्ट का तो यहीं लिखा रहेगा ठीक है यहीं पे हम टाइम का प्रॉब्लम इधर लिख देते हैं तो टाइम आप क्रॉसिंग है ना वो कितना आया बड़ा डी अपॉन वी बी आर थीटा आप समझने की कोशिश करिएगा बड़ा टाइम मिनिमम ठीक है तो मिनिमम टाइम प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या करेंगे मिनिमम टाइम प्रॉब्लम्स ध्यान दीजिएगा अगर हम मिनिमम टाइम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो आप समझोगे कि ये टाइम मिनिमम करना है तो आपका जो है डी तो फिक्स है ठीक है वी बी आर इंजन स्पीड भी एक तरीके से फिक्स ही है तो आप थीटा बदल सकते हो तो थीटा को चेंज करोगे तो टाइम आपका चेंज होगा और जब आपका मिनिमम लेना है तो कॉस थीटा को आप मैक्सिमम लोगे कॉस थीटा क्या हो सकता है बेटा मैक्सिमम तो अगर टी आपको मिनिमम करना है तो कॉस थीटा मैक्सिमम लोगे और कॉस थीटा वन होगा यानी आप कह सकते हो कि यहाँ से जो थीटा होगा वो आपका जीरो डिग्री होगा यानी आपको डायरेक्ट कैसे आपको नाव चलानी है बोट कैसे चलानी है या स्विमर है तो कैसे स्विम करना है आपको बिल्कुल कोशिश करनी है किधर जाने की जैसे ही थीटा जीरो हुआ ना तो वी बी आर आपका प्रपेंडिकुलर आ जाएगा तो अगर आप प्रोपेंडिकुलर तैरने की कोशिश करोगे या प्रपेंडिकुलर आपको जो है बोट चलाने की कोशिश करोगे तो आप मिनिमम टाइम में दूसरे एंड पे पहुंचोगे ठीक है ना तो अगर आपका ये कोशिश ऐसे हो रही है और रिवर आपका इधर बह रही है तो ग्राउंड से देखने पर वो जिधर कोशिश करेगा उधर तो नहीं जाएगा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि बेटा यहाँ कहीं जाएगा वो तो ये आपका हो जाएगा वी बी ठीक है अब देखिएगा अगर मान के चलो कि आपको जो है डिस्टेंस वही आपका ब्रिथ जो है वो डी ही है ठीक है और ये ड्रिफ्ट की बात मैं एक्स कर लेता हूँ एक्स लिख लेता हूँ तो अगर हमको टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर चाहिए तो आप कौन क्रॉस करा रहा है बेटा वी बी आर क्रॉस करा रहा है कितनी डिस्टेंस जाना है डी तो आप कह सकते हो डी अपॉन वी बी आर दिस इज मिनिमम टाइम ठीक है ना बच्चों मिनिमम टाइम वाले केस में अगर आपसे ड्रिफ्ट पूछा जाए तो ड्रिफ्ट आप एक्स लिख सकते हो अब ड्रिफ्ट कौन लाएगा बेटा तो आप बोलोगे सर वी आर लाएगा तो वी आर इन टू टाइम तो टाइम आपका वही होगा जो नदी क्रॉस होने का है तो डी अपॉन वी बी आर सॉरी डी अपॉन वी बी आर है ठीक है यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है इस तरीके से आप जो है ड्रिफ्ट भी देख लोगे और आप देखना चाहो कि आपका वी बी कितना है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही वी बी है यानी वी बी आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ v आर स्क्वायर प्लस वी बी आर स्क्वायर ठीक है ना बच्चों तो ये आपका मिनिमम टाइम वाला केस हो गया अब कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि मिनिमम डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम बताइए तो मिनिमम डिस्टेंस वाला एक बार देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से आइए मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम ठीक है ध्यान दीजिए अगर हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करें मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम ठीक है तब समझिएगा थोड़ा मिनिमम डिस्टेंस में क्या होगा बेटा मिनिमम डिस्टेंस के लिए आप अगर ध्यान से देखो तो ड्रिफ्ट को आपको मिनिमम करना है समझिएगा तो आप एक काम कर लीजिएगा देखिए अगर आपका रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है बेटा ठीक है वी आर अब आपको जो है मिनिमम डिस्टेंस तो यही हो सकती है कि आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ तभी डिस्टेंस मिनिमम होगी जो नदी की जो ब्रीथ है ना उतना तो आपको ट्रेवल करना ही पड़ेगा ये डी तो ट्रेवल ही करना पड़ेगा डी से मिनिमम नहीं हो सकता है, है ना तो आपको डेफिनेटली अगर यहाँ पहुंचना है तो ये तो बेटा वी बी होगा ठीक है तो आप यहाँ कोशिश नहीं कर सकते तो कोशिश आप कहीं इधर करोगे चलने की ट्राई इधर करोगे तो आप बोल दोगे कि ये आपका जो होगा ये वी बी आर होगा और ये आपका एंगल थीटा मान लेते हैं ठीक है ठीके? अगर ये एंगल थीटा है तो आप इसके कंपोनेंट करिए तो यहां पे बेटा वेलोसिटी आएगी वी बी आर और इस तरफ कंपोनेंट आएगा वी बी आर साइन थीटा वो लोग क्लियर है क्या तो अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा ये वी बी आर साइन थीटा और वी आर दोनों इक्वल हो जाएं तभी आपका जो है ये डायरेक्ट इस, इस डायरेक्शन में जा पाएगा यानी कि जो वी बी होगा ना वही आपका वी बी आर कॉस थीटा हो जाएगा तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इन दोनों कंपोनेंट को बराबर करना पड़ेगा यानी कि वी बी आर साइन थीटा जो वेलोसिटी है ना इसको बराबर करना पड़ेगा बेटा वी आर के तो इस तरीके से आप साइन थीटा कह पाओगे कि सर वी आर अपॉन वी बी आर होगा तो ये आपको एंगल पता चल जाएगा कि अगर बोटमैन इस एंगल पे बोट चलाना चाहेगा तो वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचेगा ठीक है अब एक केस और आता है इसमें एक के आता है कि बड़ा अगर ये आप मान लो नदी में बाढ़ आई हुई है और ये नदी आपकी बहुत तेज चल रही है बहुत ज्यादा फ्लो है ठीक है तो फिर उस समय ये जो वी आर होगा ये वी बी आर साइन थीटा से ज्यादा ही होगा वी बी आर साइन थीटा से ज्यादा होगा उस समय आपका जो है जो ड्रिफ्ट आएगा वो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा यानी कि मिनिमम डिस्टेंस आपको अगर निकालनी है ना तो मिनिमम डिस्टेंस बड़ा उस समय डी नहीं हो सकती डी से ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये सीधे नहीं पहुंच सकता कुछ ना कुछ नदी इसको जो है बहा के ले ही जाएगी मान लीजिए कि वो जो है यहाँ पहुंचना चाहता था बट वो असलियत में यहाँ पहुंचा तो मान के चलो कि ये बेटा आपका जो डिस्टेंस होगा ये आपका डायरेक्शन जो होगी ये वी बी की हो गई तब भी कोशिश यहीं कहीं करेगा वो चलाने की है ना तो ये वी बी आर कह देते हैं और ये एंगल थीटा है मान लीजिए इस कंडीशन में आपका ये आपका क्या है वी आर है बेटा ठीक है ये तब के लिए फॉर्मूला है जब वी आर वी बी आर क्या था बड़ा था आपका किससे से वी आर से ठीक है ना जब वी बी आर आपका बड़ा है वी आर से तब आपका जो है ये कंडीशन बन गया अच्छा अब समझिए अगर बच्चों वी बी आर छोटा है वी आर से रिवर बहुत तेज बह रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इधर से ड्रिफ्ट होना ही जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक्स आएगा ही आएगा ड्रिफ्ट है ना इस केस में ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता उस समय अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम के लिए कि आपका एंगल क्या होना चाहिए तो आपको ये चीज़ सीधे रट लेनी है हालांकि डेरिवेटिव मैक्सिमम मैक्म के कॉन्सेप्ट से आता है अपन जो फॉर्मूले लिखे थे उसका जो है डिफ्रेंसिएशन कर देते और इक्वल टू जीरो कर देते तो हमें पता चल जाता बट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आसान बात है यहाँ पे साइन थीटा आपने वी आर बाई वी बी आर लिखा है यहाँ पर साइन थीटा को उल्टा कर दीजिए आप लिख देंगे वी बी आर अपॉन वी आर ठीक है ना बच्चों क्या होगा कि मान लीजिए ये कभी आपका बड़ा हो गया वी आर इस वी बी आर से तो साइन थीटा कभी भी वन से बड़ा नहीं हो सकता तो आपको करना कुछ नहीं है साइन थीटा को ऐसा लिखना है कि ऊपर जो नंबर आएगा वो छोटा वाला और नीचे जो नंबर आएगा वो बड़ा वाला ठीक है अगर वी बी आर बड़ा है वी आर से तो इस केस में क्या होगा कि ड्रिफ्ट आपका जीरो आएगा तो मिनिमम डिस्टेंस जो आपका ये नदी की जो चौड़ाई होगी ना डी वही आपका मिनिमम डिस्टेंस बन जाएगी बट इस केस में जब आपका वी आर बड़ा है ठीक है ना VR बड़ा, बड़ा है वी बी आर से तो उस समय आपका जो है ये ड्रिफ्ट कुछ ना कुछ आ ही जाएगा तो इस समय आप अगर ये एंगल निकाल लोगे बेटा तो इस एंगल का ये वाला जो कंपोनेंट आप करोगे ना वी बी आर कॉस थीटा यहाँ से आपका क्या निकल आएगा टाइम और जैसे ही टाइम निकल आएगा तो यहाँ पे आपका अभी जो पहले बताया मैंने वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा ठीक है वो आपका इधर ड्रिफ्ट लाने की वेलोसिटी होगी और इनटू पे टाइम करोगे तो ये ड्रिफ्ट आ जाएगा जैसे ड्रिफ्ट आ जाएगा तो मिनिमम आपको डिस्टेंस जो भी निकालनी है वो अंडर रूट ऑफ डी स्क्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आप जो है मिनिमम डिस्टेंस का भी प्रॉब्लम कर सकते हैं चलिए एक आध क्वेश्चन अगर लगता है तो देख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आइए तो आप मिनिमम टाइम मिनिमम डिस्टेंस ये सब सीख चुके हैं ध्यान दीजिए मान लीजिए मैं आपसे बोलूं की कोई बोटमैन है वो अपनी बोट को जो है ट्राई टू रो हिज बोट एट एंगल ऑफ वन ट्वेंटी सेवन डिग्री समझिएगा मैंने बोल दिया कि एक जो है ये आपका रिवर है ठीक है बेटा अब बोटमैन करता क्या है कि अपनी बोट को रिवर फ्लो से रिवर फ्लो तो ये हो गया ठीक है हमने बोल दिया कि 127 डिग्री पे चलाना चाहता है तो जब रिवर फ्लो से 127 है तो ये परपेंडिकुलर से कितना होगा बेटा तो आप बोलोगे थर्टी सेवन होगा क्योंकि ये नाइन्टी और ये थर्टी सेवन वन ट्वेंटी सेवन हो जाएगा तो अगर रिवर फ्लो से वन ट्वेंटी सेवन डिग्री पे चलाना चाहता है मान लीजिए कि उसकी जो इंजन स्पीड है ना वो फाइव किलोमीटर पर आर है ठीक है ये आपको दे दिया गया और अगर मान लीजिए रिवर की आ, ब्रीथ वगैरह की बात करी जाए तो ब्रीथ वगैरह भी आप ले लीजिए कि मान के चलिए फाइव हंड्रेड मीटर है ठीक है बच्चों तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर और ड्रिफ्ट आपसे पूछा जा सकता है तो आपको बताना है कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर और आपका जो है ड्रिफ्ट ठीक है ना ध्यान दीजिएगा तो अगर आप इस वी बी आर पाँच दिया हुआ है और ये आपका कॉस है तो इधर क्या लिखोगे बेटा पाँच कॉस थर्टी सेवन लिखोगे है ना कॉस्ट थर्टी सेवन ठीक है ये रिवर की वेलोसिटी भी आपको कुछ ना कुछ दे दी जाएगी मान लीजिए कि जो रिवर की वेलॉसिटी बेटा वे वो फोर क्या दिया मीटर में दिया हमने नहीं किलोमीटर में तो किलोमीटर तो किलो पर आर मैंने आपको रिवर वेलोसिटी भी दे दी है तब तो अगर आप इसका कंपोनेंट इधर करोगे तो फाइव कॉस थर्टी सेवन और इधर कंपोनेंट लिखोगे बेटा तो फाइव साइन थर्टी सेवन लिखोगे अब देखिए फाइव कोस थर्टी सेवन कितना होगा फोर हो जाएगा और फाइव साइन थर्टी सेवन कितना होगा थ्री होगा अब ध्यान से देखिएगा अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ की डायरेक्शन में आप देखिए ये फोर है और ये थ्री है तो यहाँ पर आप फोर माइनस थ्री लिख सकते हो रिजल्टेंट ठीक है यानी कि इधर आपका वेलोसिटी हो जाएगी वन किलोमीटर पर आर ठीक है अब समझिए। अब अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें वेलोसिटी की तो यहाँ की वेलोसिटी ठीक है, अब अब है तो आप देखोगे कि कौन क्रॉस करा रहा है रिवर को जो, जो प्रपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी वही तो रिवर को क्रॉस कराएगी तो आप देख लोगे कि आर का जो चार किलोमीटर पर आर है ये आपकी रिवर को क्रॉस कराना चाह रहा है तो रिवर का बड़ा 500 मीटर यानी 1 बाई टू किलोमीटर में लिख लीजिए अपॉन पे आपकी वेलोसिटी कितनी है बेटा 4 है तो 4 लिख लीजिए तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1 बाई फोर टू जै कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा ये आपका आर में आंसर आ जाएगा ठीक है इस तरीके से अगर हमें ड्रिफ्ट देखनी है कि ड्रिफ्ट कितनी होगी मान लीजिए कि ये रिवर से यहाँ पे जाके आदमी पहुँचता है दूसरी तरफ तो ये आपका जो है ड्रिफ्ट की बात कर दो तो मान लीजिए ये एक्स हो जाता है तो एक्स के लिए आप क्या लिखोगे बेटा तो x के लिए अगर आप देखोगे तो आप बोल दोगे कि जो x होगा वो आपका कौन व एक्स मतलब जो ड्रिफ्ट ला रहा है तो आप बोलोगे वन किलोमीटर पर आर ये जो आपकी स्पीड है यही तो ड्रिफ्ट ला रही है तो इसको वन लिख दोगे इन टू आपका जो टाइम है जितनी देर में रिवर क्रॉस होगी उतनी देर में ड्रिफ्ट भी आया होगा तो यहाँ पर आप जो है वन बाई एट लिख दोगे इस तरीके से आपका जो है जो वन बाई एट किलोमीटर जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा बेटा ड्रिफ्ट आ जाएगा ठीक है तो आपको ये बात समझ आ गई होगी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कर पाओगे है ना जैसे एक आप मान लीजिए मिनिमम वाला करा देता हूं कि मिनिमम डिस्टेंस के लिए देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ नोट कर सकते हैं आप ध्यान दीजिएगा नोट करने के बाद अगला क्वेश्चन देखिए अगर मान लीजिए बेटा कोई भी आपसे बोल दे कि जो बोट है ना उसकी इंजन स्पीड इंजन स्पीड मान के चलिए आपको दे दी गई बच्चों बोट की इंजन स्पीड फाइव दे देता हूं ठीक है इंजन स्पीड कितनी है बड़ा आप कह दो कि फाइव किलोमीटर पर आर है ठीक है ना और रिवर की तो जो स्पीड है ना रिवर की तो रिवर का जो फ्लो है ना रिवर फ्लो आप कह सकते हो कि ये आपका जो है थ्री किलोमीटर पर आर है ठीक है अब आपसे बोल दिया जाए कि बताओ बोटमैन को कितने एंगल पर कितने एंगल पर आप बोट को चलाना चाहिए ताकि आपका जो ड्रिफ्ट हो वो जीरो हो ड्रिफ्ट जीरो यानी डिस्टेंस मिनिमम ट्रेवल करनी पड़े ठीक है आप क्वेश्चन समझिएगा बोल दिया गया कि इंजन स्पीड आप बोट इज फाइव किलोमीटर पर आर एंड रिवर फ्लो इज थ्री किलोमीटर पर आर देन फाइंड आउट द डायरेक्शन इन विच बोटमैन ट्राई टू रो इज बोट सच दैट द ड्रिफ्ट इज जीरो तो आप बिल्कुल सिंपल बोलोगे कि सर इसमें कौन बड़ा है तो आप बोल दोगे सर इसमें इंजन स्पीड वी बी आर बड़ा है तो हम सीधा सीधा साइन थीटा कह सकते हैं कि जो बोट चलानी चाहिए वो कुछ इधर चलानी चाहिए है ना अगर इसको हम एंगल थीटा बोलें तो आप साइन थीटा कह सकते हो कि सर वी आर अपॉन वी बी आर ठीक है ये होगा तो साइन थीटा यहाँ से आप देख लीजिए वी आर कितना बड़ा थ्री है और वी बी आर मैंने फाइव दिया है तो यहाँ से थीटा जो होगा आप कह दोगे 37 डिग्री होगा अगर ये 37 डिग्री होगा तो रिवर फ्लो के साथ अगर एंगल पूछता है वो तो 127 डिग्री आप बोल दोगे है ना 127 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ठीक है तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी आएंगी रेन मैन प्रॉब्लम उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आइए तो ये आप लिख सकते होंगे है ना दो क्वेश्चन मैंने करा दिए दोनों आपके आसान से क्वेश्चन थे आगे अपन डिस्कस करेंगे रेनमैन प्रॉब्लम आइए रेनमैन प्रॉब्लम पे देखें बट अगर हम रेनमैन प्रॉब्लम की बात करें या रेनमैन प्रॉब्लम कह सकते हो या मैन अम्ब्रेला भी बोल सकते हो ठीक है रेनमैन प्रॉब्लम्स इनको कैसे सॉल्व करना है सबसे पहला बात इसमें आप जो है सबसे पहले आप जो है तो वीआर को जो है ढूंढिए कि वीआर किधर है ठीक है फाइंड आउट वीआर वीआर को फाइंड आउट करिए ऐसा बोल देता हूँ लोकेट कर दीजिए लोकेट वी आर ठीक है ना सबसे पहले आपको वी आर को लोकेट कर देना जैसे मान लीजिए ये आपके बादल हैं ठीक है तो रेन ऐसे आ रही है ठीक तो ये क्या हो गया बेटा ये आप बोल दोगे कि वी आर हो गया ठीक है अब मान लीजिए कि इसमें आदमी जो है इधर दौड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा वी एम हो जाएगा ठीक है तो हमेशा आप दूसरे स्टेप में क्या करेंगे इस वी एम की स्पीड को मतलब वेलोसिटी को उल्टा करिए रिवर्स करिए ठीक है रिवर्स वी मैन एंड एड विद वी आर ठीक है तो आप इसको उल्टा कर देंगे बेटा इस तरीके से इधर ले आइए वी आ, आपको जो है वीएम को उल्टा कर देना है अब समझिए मैन की इधर है और रिवर की इधर है तो डेफिनेटली आपका जो है आप ध्यान से देखोगे तो इधर क्या आएगा बेटा इधर रिजल्टेंट आएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे वी आर एम ध्यान दीजिए अच्छा एक सेकेंड देखिए अगर ये आदमी इधर जा रहा है सॉरी ये आदमी इधर जा रहा है और रिवर इधर आ रही है ठीक है ना तो आप इसके कंपोनेंट कर सकते हो किसके कंपोनेंट कर सकते हो वी आर के या मान लीजिए वी आर कभी कभी आपको ऐसा दिया होगा किसी एंगल पे तो अगर ये वी आर होगा ठीक है अब आदमी अगर ऐसे चलने लगे तो इसको उल्टा करके जोड़ोगे तो आदमी को यहाँ कहीं आपको रेन आती हुई दिखाई देगी तो इसको आप क्या कह सकते हो इसको आप वी आर एम कह सकते हो ठीक है जिधर फील होगी अब अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो इसके कंपोनेंट कर दीजिए तो इधर हो जाएगा आपका वी आर कॉस थीटा और इधर हो जाएगा आपका वी आर साइन थीटा यानी कि यहां पर आपको रिजोल्व कर लेना है रिजॉल्व द कंपोनेंट कंपोनेंट एंड फाइंड आउट वी आर एम चलिए फिर से थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से मान के चलिए मैं आपसे बोल दूँ समझिएगा कि पहले सबसे पहली बात आपने जो है वी आर को लोकेट कर लिया मान लीजिए वी आर आपका इधर है बेटा ठीक है कहीं पे भी हो सकता है वी आर और आपका आदमी जो है ना मैंने बोल दिया कि आदमी आपका इस डायरेक्शन में दौड़ने लग गया वी एम तो आप इसको उल्टा करेंगे उल्टा करके यहाँ ले आइए ठीक है ये आपका क्या हो जाएगा वी एम ठीक है इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा रिजल्टेंट रिजल्टेंट मान लीजिए कि वो इधर आ गया सपोज तो उसको आप क्या बोल दोगे वी आर एम बोल दोगे ठीक है अब इसमें वी आर के कंपोनेंट कर लोगे इधर तो वी आर थीटा वी आर एम दे देगा और वी आर साइन थीटा अगर आप ध्यान से देखो वी आर साइन थीटा तो बेटा अगर ये वर्टिकली है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ठीक है क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा बेसिकली आपको याद वही रखना जैसे वेलॉसटी ऑफ बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू तो रिवर में बोला है ना वैसे ही आप बोलोगे वेलॉसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू तो मैन आपको ध्यान में रखता है वेलॉसिटी ऑफ रेन ठीक है माइनस वेलॉसिटी ऑफ मैन या तो आपको वेलॉसिटी ऑफ आप रेन ठीक है लिखनी है तो आप क्या करिए वेलॉसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखिए और उसमें प्लस कर दीजिए वेलॉसिटी ऑफ मैन ठीक है इस तरीके से आप इनको यूज करके कर सकते हैं आपको क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूँ समझिएगा चलिए क्वेश्चन मैंने लिख रखा है तो आप वहीं से देख लीजिएगा इसको ठीक है हाँ तो बच्चों क्वेश्चन में आपको जो है हमने लिख रखा है ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन ये दो नंबर ठीक है इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड ऑब्जर्व दैट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलास्टी सिक्स मीटर पर सेकेंड नाउ मैन स्टार्ट मूविंग विद वेलास्टी एट मीटर पर सेकेंड फाइंड आउट फ्रॉम वर्टिकल एट विच ही हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला आसान सा क्वेश्चन है देखेगा तो बड़ा पहले क्या है मैन स्टैंडिंग है तो आप जो है तो आदमी को क्या बना दीजिए स्टैंडिंग पोजिशन पर बना दीजिए ठीक है ना ये आपका आदमी जो है स्टैंडिंग पोजिशन पर अच्छा जब स्टैंडिंग पोजिशन पर है तो आप देख रहे हो कि रेन कहाँ फॉल हो रही है बड़ा वर्टिकली तो आप कह सकते हो कि ये जो है ना आपका ये वी आर हो गया ये क्या हो गया वी आर आपका ऐसे ही गिर रही है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सेकेंड केस में क्या हुआ बेटा सेकेंड केस में अब आदमी जो है क्या कर रहा है तोड़ रहा है कितने से नाउ मैन स्टार्स मूविंग वेलोसिटी एट मीटर पर सेकेंड फाइंड आउट एंगल फ्रॉम वर्टिकल एट विच ही टू होल्ड हिज अम्ब्रेला तो अब दूसरे वाले केस में हम बात करते हैं वी आर तो बेटा इधर ही रहा ये क्या है वी आर अब आदमी क्या हो गया दौड़ना चालू हो गया मान लीजिए इधर दौड़ रहा है कितने से अब वी आर आपको कितना दिया हुआ था बेटा पहले लिख लो ठीक है वी आर आपको दिया हुआ था सिक्स मीटर पर सेकेंड तो हमने लिख लिया सिक्स मीटर पर सेकेंड और आदमी इधर दौड़ रहा है एट मीटर पर सेकेंड से तो इसको उल्टा करके यहाँ लिख लीजिए ठीक है तो ये वी एम हो जाएगा आपका एट मीटर पर सेकेंड अब ध्यान दीजिएगा अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपका जो है ये इधर कहीं आएगा है ना वी आर एम ठीक है रिजल्टेंट अगर आप देखोगे अब देखो अब अगर इधर कहीं आएगा तो आप इस एंगल को क्या मान लीजिए बेटा थीटा मान लीजिए जब थीटा मानोगे तो अगर ये सिक्स है ये देखिए ऊपर ये एट है तो इसको भी आप क्या बना दीजिए एट मीटर पर सेकेंड कह दीजिए है ना अब ये एट मीटर पर सेकेंड हो गया तो यहां से आप जो है ये एट मीटर पर सेकेंड हो गया और ये सिक्स मीटर पर सेकेंड है तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए टेन थीटा लिख दीजिए तो टेन थीटा क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो अपोजिट कितना है थीटा अगर आप देखना चाहो तो टेन थीटा फोर बाई थ्री तब होता है जब थीटा आपका फिफ्टी थ्री डिग्री हो ठीक है ना तो फिफ्टी थ्री डिग्री पे आपको फील होगी रहना आती हुई तो जब फिफ्टी थ्री डिग्री पे ऐसे आती हुई फील हो रही है तो उसके अपोजिट अब आप ऐसे थोड़ी अम्ब्रेला लगाना होगा तो इसके अपोजिट आप देख सकते हो कि यहाँ उसको जो है ऐसे ही अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा ठीक है ना तो इस तरीके से अम्ब्रेला जो है फिफ्टी थ्री डिग्री पे आप लगा सकते हो और आप जो है अपना आंसर दे सकते हो ठीक है बच्चों हाँ तो बच्चों इसी में अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए तो अगला क्वेश्चन आपको जो है ये मिलेगा ध्यान से देखिएगा मैन मूविंग विद स्पीड फोर मीटर पर सेकेंड बेटा ये फोर लिखा हुआ है ठीक है ना मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व दैट रें फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड ठीक है जब वो दौड़ रहा है ना फोर मीटर पर सेकेंड से तब उसको डाउनवर्ड फील हो रहा है ठीक है ना तो ये बेटा वी आर नहीं है यह असलियत में क्या है वी आर एम है ठीक है ना वी आर क्या होता है जब वो स्टैंडिंग पोजिशन में हो तब जो फील होना वो वी आर है ठीक है असलियत में जो वेलोसिटी है ना वी आर है और जो फील होती है ना वो भी यार है तो कह रहा है कि अगर इसी केस में कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडिंग मैन इज एट मीटर पर सेकंड यानी ये भी यार है आपका तो कह रहा है, एंगल विच इस, है अम्ब्रेला। इस केस में क्या बताया कि जब स्टैंडिंग मैन खड़ा हो ना तब किधर अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा इसमें आप देखिएगा जब वो दौड़ रहा है तब तो आपको अम्ब्रेला होल्ड करने का पता ही है ठीक है कहां पर जैसे मैं फोटो बनाता हूं ध्यान से देखिएगा मैन मूविंग विद स्पीड मीटर पर दैट फॉल वर्टिकली तो बड़ा अगर ये आपका जो है रेन गिर रही है और मैन जो है ना आपका जब इधर दौड़ रहा है ठीक है ना कितने से दौड़ रहा है आदमी फोर मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है किलोमीटर है नहीं मीटर ही है ना हाँ दोनों मीटर ही है. तो मीटर पर सेकेंड से, से दौड़ रहा है ठीक है तो जब ये मीटर पर सेकेंड से, से दौड़ रहा है तब उसको इधर आती हुई वर्टिकली फील हो रही है तो फील हो रही है तो ये वी आर नहीं है ये असलियत में क्या है, ये असलियत में वी में, ठीक है ना आप अब समझिए खड़ा होगा ना खड़ा हुआ है ऐसे मान लीजिए स्टैंडिंग मैन है है ठीक है रुका हुआ तब इसे क्या फील हो रहा है एट मीटर पर सेकेंड तो जो इसे फील हो रहा होगा वो वी आर होगा अब समझिएगा आदमी की जो तो स्पीड को वेलोसिटी को उल्टा करके यहां पर रख दीजिए तो ये आपका वी हो जाएगा ठीक है वीएम आपको दिया हुआ है फोर मीटर पर सेकेंड अब अगर ये रिजल्टेंट इधर आ रहा है तो डेफिनेटली आप देखोगे कि वी असलियत में यहां कहीं होगा ठीक है और वी आर आपको दिया हुआ है सवाल में कि जो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडिंग मैन है वो कितना है एट मीटर पर सेकेंड है तो ये आपको दे दिया गया एट मीटर पर सेकेंड बोलो क्लियर है बच्चों अब समझिए अब अगर ये एट मीटर पर सेकेंड है इसको आप मान लीजिए थीटा ठीक है ये रिजल्टेंट है तो आप चाहो तो पैलेलोग्राम मेथड यूज कर लीजिए ठीक है ना अगर ये आपका फोर मीटर पर सेकेंड है तो आप इसे भी क्या बोल सकते हो फोर मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो ठीक है समझ ही गई और ये आपका जो है ऐसा पैरेलोग्राम बना दिया मैंने तो अगर ये आपका फोर मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो ये भी आपका कितना हो गया फोर मीटर पर सेकेंड हो गया अब बच्चों ये थीटा है ठीक है ना और ये आपका एट मीटर पर सेकेंड है तो आप देखोगे कि साइन थीटा लग जाएगा फोर बाई एट तो हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा बेटा वो हो जाएगा फोर बाई एट तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो बेटा वन बाई टू आएगी और साइन थीटा की वैल्यू वन बाई टू कब होती है तो आप कह दोगे सर थर्टी डिग्री पे होती है तो थर्टी डिग्री पे ये रेन असलियत में आ रही है यही तो भी आ है तो जिधर असलियत में आ रही है उधर आपका जो है स्टैंडिंग मैन को वही तो फील हो रही है है ना स्टैंडिंग मैन को इधर से ही आ रही तो आपका अम्ब्रेला इसके अपोजिट लगाना पड़ेगा इधर नीचे नहीं लगाना पड़ेगा तो आप बोलोगे इसके अपोजिट ऐसे ही आप जो है अम्ब्रेला होल्ड करोगे ठीक है ना यानी कि आंसर आपका कितना होगा वर्टिकल के साथ कितने डिग्री थर्टी डिग्री इस तरीके से आप रेन मैन के जो प्रॉब्लम होंगे आप कर सकते हो ठीक है ना एक चीज बेटा इसमें और आती है क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम्स ठीक है ना तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं ध्यान से देखिएगा अगर हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ठीक है प्रॉब्लम्स मान लीजिए कि आपसे बोला जाए कि दो आदमी है ठीक है ना एक आदमी यहां से जो है इधर चलता है ये मान के चलिए कि वी ए है स्पीड और दूसरा आदमी यहीं पे कहीं पे खड़ा हुआ है इधर ठीक है ये आदमी दूसरा वाला जो है इसके अपोजिट जहां से चालू हुआ वो यहां पे बी था और बड़ा उसने ऐसे चलना चालू कर दिया वी बी से ठीक है ना अब ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है तो इनके बीच का क्लोजेस्ट सेपरेशन कितना होगा क्लोजेस्ट सेपरेशन कितना होगा तो आपको इन क्रेसिस में कुछ भी नहीं करना है आप एक काम करिए ए को रोक दीजिए ठीक है ना ए को रोक दीजिए और उसकी वेलोसिटी को पलट के आप बी को दे दीजिए मान लीजिए कि ए आपका यहाँ पर रेस्ट में आ गया पहले कौनसेप्ट समझ लीजिए एक क्वेश्चन करा दूंगा अब आदमी यहां पे रुका हुआ है थोड़ा तो बी तो इधर जा रहा था तो ये तो वी भी हो गया ठीक है अब ए की वेलोसिटी को आपको रिवर्स करके बी को देना पड़ेगा तो ए अगर ऐसे ऊपर जा रहा था तो आपने इसकी वेलोसिटी बी को दी तो ये बेटा आपका वी ए आपने ऐसे पलट के दे दिया ठीक है अब समझिए अब ये ए वाला आदमी यहीं पे रुका हुआ है अब बी वाले के पास दो वेलोसिटी हो गई एक इधर और एक इधर तो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो बेटा यहाँ कहीं बीच में आएगी है ना तो वो असलियत में वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वो तो इधर ही आएगी है ना अब क्या होगा कि जब ये आदमी बी जो है इधर जा रहा होगा और ए रुका हुआ है तो आप ए से बी वाले की लाइन पे बी की वेलोसिटी वाली लाइन पे प्रपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए क्या ड्रॉ कर दीजिए प्रपेंडिकुलर अब जब प्रपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे बेटा वही जो सेपरेशन होगा वही आपका क्या होगा मिनिमम होगा फिर से बात को समझ लीजिएगा कभी भी दो पार्टिकल दौड़ रहे होंगे ठीक है ना एक को आप रोक दीजिए एक को रोक के उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके ठीक है रिवर्स करके सामने वाले को दे दीजिए और उसकी रिलेटिव वेलोसिटी देख लीजिए अब जिधर रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना जिसे आपने रोक दिया है उससे उस रिलेटिव वेलोसिटी वाली लाइन पे क्या डाल दीजिए प्रपेंडिकुलर और वो जो प्रपेंडिकुलर डालोगे वही आपका क्लोजेस्ट अप्रोच होगा एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है मैंने यहाँ पे रखा है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा और उसी पे अपन जो है टेक लेंगे ठीक है कॉन्सेप्ट समझ लेंगे समझिएगा कह रहा है कि एक शिप है ए ठीक है मूविंग वेस्टवर्ड विद स्पीड ऑफ टेन किलोमीटर पर आर ठीक है एंड सिप बी हंड्रेड किलोमीटर साउथ ऑफ ए इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद स्पीड ऑफ टेन किलोमीटर पर आर द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स शॉर्टेस्ट समझिएगा बेटा थोड़ा ध्यान से आपको अगर डायरेक्शन का नॉलेज होगा तो आप जानते हो कि ये मान के चलिए नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है बेटा और ये वेस्ट है ठीक है ना तो पहले आप शिप ए को देख लीजिए वो सिप ए कहाँ चल रही है मूविंग वेस्टवर्ड विदीड ऑफ टेन किलोमीटर पर आर ठीक है ना अब समझिए तो आपने इसको इधर बना दिया बेटा ठीक है सिप ए आपने कह दिया कि ये है आपकी और ये कितने स्पीड से चल रही है तो टेन किलोमीटर पर आर से चल रही है चलिए बहुत बढ़िया अब समझिए फिर कह रहा है कि एक सिप बी है हंड्रेड किलोमीटर साउथ ऑफ ए साउथ ऑफ ए तो हंड्रेड किलोमीटर बेटा यहाँ पर हो जाएगा ठीक है हम इसको कह देते हैं ये हंड्रेड किलोमीटर हो गया ठीक ये आपका जो है यहां पर बी है ठीक है अब समझिए अब ये जो बी है ना ये किधर जा रही है बेटा तो ये जा रही है नॉर्थवर्ड ठीक है ना नॉर्थवर्ड विद स्पीड ऑफ टेन किलोमीटर पर आर तो बी आपका इधर जा रहा है नॉर्थ इधर ही है ठीक है टेन किलोमीटर पर आर की स्पीड से अब समझिए कह रहा है कि आपको जो है टाइम बताना है वो टाइम जिसमें आपका जो डिस्टेंस बिटवीन देम है ना वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा क्लोजेस्ट हो जाएगा समझिए तो बड़ा ए वाले को तो आपने देखा कि ये ए वाला इधर जा रहा है कितने से टेन किलोमीटर पर आर से ठीक है अब आप अपने बी वाले को क्या करिए रोक दीजिए बी को रोक दीजिए ठीक है जैसे आप बी को रोक दोगे ये डिस्टेंस कितनी है हंड्रेड किलोमीटर है बी को रोकोगे बेटा तो बी ऊपर जा रहा था टेन किलोमीटर पर आर से तो इस ए को ही दे दोगे आप ऐसे नीचे की तरफ कितना टेन किलोमीटर पर आर बोलो क्लियर है क्या जैसे ऐसे दे दोगे तो ये टेन और ये टेन तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा बेटा वो इधर कहीं होगा और वो हो जाएगा टेन रूट टू किलोमीटर पर आर और ये एंगल भी आप देखोगे कि फोर्टी फाइव डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये भी टेन है और ये भी टेन है ठीक है अब समझिए अब ये टेन रूट टू किलोमीटर पर आर से इधर जा रहा है अब आपने क्या करा ए वाले से आपने सीधा ऐसा प्रपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ठीक है ना बेटा तो जब प्रपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो आपका यही आपका क्या होगा मिनिमम सेपरेशन होगा ठीक है पर हमें मिनिमम सेपरेशन नहीं निकालना हमें मिनिमम सेपरेशन का टाइम निकालना है तो यहाँ से यहाँ कितना चला ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं और ये डिस्टेंस निकालने के बाद हम टाइम निकाल लेंगे ठीक है तो ये वाली डिस्टेंस बेटा ध्यान से देखिएगा ये कितना है हंड्रेड है और यहाँ पर यह देखिए ये प्रपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा है ठीक है तो ये थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा ये आपका अपोजिट हो जाएगा ये एडजेसेंट हो जाएगा तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये डी कितना चला तो डी थोड़ा ध्यान से देखिएगा मान लीजिए हमने कॉस थीटा लगा दिया बेटा तो थीटा क्या हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस तो एडजेसेंट ही तो अपन ने डी मान लिया है तो ये डी हो गया अपॉन हाइपोटेनस हंड्रेड है तो बेटा ये आपका कितना होगा वन बाई रूट टू ये आपका डी बाई हंड्रेड तो यहाँ से जो डी होगा वो आप कह दोगे हंड्रेड बाई रूट टू होगा अब हमें टाइम निकालना है तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस कितनी है बेटा हंड्रेड अपॉन रूट टू और अपॉन पे आपका जो स्पीड है ना रिलेटिव में इस डायरेक्शन में वो कितना है तो आप कह दोगे टेन रूट टू है तो टेन रूट टू लिख दिया बेटा आपने ठीक है अब देखिए ट्वेंटी बन जाएगा है ना ये आपका रूट टू रूट टू टू हो गया टेन इंटू टू कितना ट्वेंटी ट्वेंटी से हंड्रेड मार दोगे फाइव आ जाएगा यूनिट आपका काय में दिए हुए थे बेटा किलोमीटर पर आवर में तो आप भी कह दोगे कि 5R आ जाएगा ठीक है तो फाइव आर के बाद जो है उसका जो सेपरेशन होगा दोनों के बीच का वो मिनिमम हो जाएगा अगर वो मिनिमम सेपरेशन 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 पूछता हम से, पूछता हमसे क्या मिनिमम मिनिमम तो ये बड़ा होता है सेक्स ठीक है ना ये आप अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो साइन पैंतालीस यूज करते तो साइन फोर्टी फाइव क्या होगा एक्स अपॉन हाइपोटेनस कितना है बड़ा हंड्रेड है थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना ये यहां कहीं आएगा ठीक है फिर भी आप देखिएगा x बाई हंड्रेड तो ये वन बाई रूट टू और आपका ये x बाई हंड्रेड तो यहां से आप देखोगे तो x इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड बाई सॉरी हंड्रेड बाई रूट टू तो हंड्रेड बाई रूट टू को आप बोल सकते हो रूट टू से रेशनलाइजेशन करा दीजिए तो आप कह सकते हो कि ये फिफ्टी रूट टू हो जाएगा कितना हो जाएगा फिफ्टी रूट टू किलोमीटर ठीक है ना इस तरीके से आप क्लोजेस्ट अप्रोच के क्वेश्चंस कर सकते हो ठीक है बच्चों तो ये आपका रिलेटिव ऐसे ही अगर आप जो है तो रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल देखो तो रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल में कुछ नहीं होता है रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल में होता क्या है बच्चों के दोनों प्रोजेक्टाइल मान लीजिए एक पत्थर यहाँ से फेंका और एक यहाँ थोड़ा मैं आपको इस पर भी डिस्कशन कर दूँ हालाँकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो फिर भी देख लीजिए जैसे मान के चलिए बच्चों एक पत्थर यहाँ से फेंक दिया गया ठीक है आपको बोल दिया गया कि यहाँ से आपने एक पत्थर फेंक दिया से मेक इन एन एंगल थीटा वन ठीक है ना तो इसके आप कंपोनेंट करोगे तो ये आपका u cos थीटा होगा और इधर क्या होगा u sin थीटा हो जाएगा वन है तो यू वन कह दीजिए ऐसे आपने अगर एक पत्थर यहां से फेंक दिया बेटा ठीक है इसको यू टू वेलॉस्टी से फेंका और थीटा टू से तो इधर हो जाएगा u cos थीटा टू और इधर हो जाएगा u sin थीटा टू अब अगर आप ध्यान से देखो कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का पाथ पूछे अगर पूछे कि आपका जो है बी पे बैठ के ये बी है और ये ए है तो बी पे बैठ के अगर आप क्या देखना चाह रहे हो ए का पाथ देखना चाह रहे हो कि ए का पाथ कैसा होगा तो बेटा आप देखोगे कि वो स्ट्रेट लाइन होगा क्यों स्ट्रेट लाइन होगा ये बता देता हूं ये एक क्वेश्चन आपको से पूछा जा सकता है कि अगर ए वाले को आप देखो तो इसका रिलेटिव एक्सेलेशन क्या है तो आप बोलोगे सर माइनस जी सॉरी रिलेटिव नहीं एक्सेलरेशन तो आपका जो ए वाले का एक्सेलेशन होगा ए ए वो कितना होगा बेटा माइनस जी और बी वाले का भी एक्सेलरेशन जब आपका ये चलेगा तो मोशन अंडर ग्रेविटी है तो बी वाले के भी हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ये भी बड़ा माइनस जी है तो हम रिलेटिव आप, आप, तो आप कहोगे कि सर आप ये आपका जीरो हो जाएगा है ना और जब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो आप समझोगे कि A के रिस्पेक्ट में बी का या तो बी के रिस्पेक्ट में ए का जो पाथ होगा वो आपका कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी वाला होगा तो जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए या ए ए आप बी होगा है ना वेलोसिटी आप ए विद रिस्पेक्ट टू बी वो क्या हो जाएगी बेटा कॉन्स्टेंट हो जाएगी इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा कैसा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ठीक है चलिए तो बस इतना ही था ठीक है अब मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें से जो कोई सा भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप हंड्रेड परसेंट बना लेंगे ठीक है आज का जो क्लास हुआ है इसकी प्रैक्टिस आज ही कर लीजिएगा असाइनमेंट के माध्यम से और ऐसे ही अगर आप जो है गारंटेड सक्सेस होना चाह रहे हैं तो रजिस्टर करिए आई आई बी पी सी बी आधार थ्री पॉइंट जीरो थिंक नीड थिंक आई आई बी